एवरीवन, आई एम उर्वशी गुप्ता फ्रॉम द एरस डांस ग्रुप। नवरात्रा का सीजन चल रहा है और मैं तो डांडिया गरबा को बहुत मिस कर रही हूँ, शायद आप भी कर रहे होंगे। तो इस बार हम अपने घर पे ही डांडिया गरबा करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो हम एक सिंपल डांस कोरियोग्राफी सीखेंगे इस नवरात्रा को अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करने के लिए। आइए चलते हैं स्टेप्स की तरफ। फर्स्ट स्टेप की तरफ हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से अंदर से क्रॉस करके बाहर खोलेंगे अपने शोल्डर की हाइट पे, सेम अंदर से क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ खोल देंगे इस तरीके से। इसी के साथ हमारे फुटवर्क्स रहेंगे, जब हम अपने हैंड्स को खोल रहे हैं तो हमारा राइट फुट आगे आएगा और जब नीचे की तरफ खोल रहे हैं तो हमारा राइट फुट पीछे जाएगा। ओवरऑल स्टेप रहेगा 1 2। टू के बाद थर्ड स्टेप पे लेंगे हम अपने लेफ्ट लेग को आगे से क्रॉस करवाएंगे और राइट लेग पीछे अप कर देंगे, सेम राइट को वापस प्लेस करेंगे और लेफ्ट को अपनी जगह पे ले आएंगे। वापस से देखते हैं 1 2 3 एंड 4। 3 4 में हमारे हैंड्स के स्टेप रहेंगे, जब हमारा लेफ्ट लेग क्रॉस कर रहा है तो इसी के साथ लेफ्ट हैंड आ जाएगा कमर पे, राइट हैंड इस तरीके से अपनी फिंगर्स को ओपन करते हुए ऊपर लेंगे और राइट लेग पीछे से आप सेम इसको प्लेस करेंगे और लेफ्ट अपनी जगह पे ले आएंगे और इसके साथ हाथ चेंज हो जाएगा। वापस से देखते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 पे हमने हैंड्स को लेफ्ट की जगह राइट एंड राइट की जगह लेफ्ट को प्लेस कर दिया। सो लास्ट स्टेप हम यहाँ एंड कर चुके हैं। इसके बाद हम अपने राइट साइड पे 4 स्टेप्स चलने वाले हैं। तो हमारे फुटवर्क्स रहेंगे राइट लेग लेफ्ट लेग राइट लेग लेफ्ट लेग। उसके बाद हम अपने राइट शोल्डर से पीछे टर्न कर जाएंगे और हैंड्स भी इसके साथ हमारे चेंज होंगे। मूव हम यहाँ करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसके बाद वापस राइट साइड पे मूव करेंगे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इस बार हम अपने लेफ्ट शोल्डर से टर्न करेंगे, हैंड्स फिर से चेंज होंगे 1 2। ओके, तो ओवरऑल स्टेप हमारे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे 8 स्टेप जैसे ही एंड होते हैं हमारा हैंड पोजीशन ये रहा है। इसके बाद अपने दोनों हैंड्स को पीछे लेंगे 1, इसके साथ अपने राइट लेग को भी पीछे लेंगे 1। राइट लेग ऊपर रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर लेते हुए 3 4 वापस देखेंगे 1 2 3 4। अब अपने राइट हैंड से क्लैप करते हुए लेफ्ट को राइट पे टच करते हुए निकालेंगे, बैक के क्राउन लेंगे। हमने यहाँ एंड किया, घूमे क्लैप। वापस देखते हैं पूरा स्टेप 1 2 3 एंड 4। 4 पे हम लेफ्ट लेग को ऊपर रख रहे हैं और राइट साइड पे ऊपर की तरफ क्लैप कर रहे हैं। अभी तक के हमारे स्टेप रहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, go 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसा कि हमने लास्ट स्टेप को यहाँ एंड कर दिया है, इसके बाद जैसे ही लेफ्ट फुट को प्लेस कर ले राइट को जंप के साथ लेफ्ट के पीछे लेके आएंगे 1। अब राइट को अपनी जगह ले जाएंगे और लेफ्ट को जंप करके राइट के पीछे लेके आएंगे 2। इसके साथ हमारे हैंड मूवमेंट्स चलेंगे, हमने लास्ट में एंड किया 1, यानी ऊपर से नीचे ताली बजाएंगे, सेम राइट साइड पे 3 4। ओवरऑल स्टेप लास्ट एंड किया 1 2 3 4। इसके बाद लेफ्ट को अपनी जगह पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पे प्लेस करेंगे, राइट हैंड से 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके साथ अपने राइट साइड पे छोटी छोटी 4 जंप्स लेंगे 1 2 3 4। यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक के स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चलते हैं, अपने दोनों हैंड्स को स्विंग करेंगे लेफ्ट में, देन स्विंग करेंगे राइट पे। इस स्टेप को हम हल्का सा अपने नीज को बेंड करते हुए लेंगे। जब हमारे दोनों हैंड्स लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो हमारा राइट लेग अप हो जाए 1, सेम लेफ्ट 2। इसके साथ अपनी गर्दन को भी हल्का सा मूव करेंगे ताकि आपका डांस और अट्रैक्टिव लगे।
वन टू, लास्ट स्टेप हमने लिया है वन टू। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को अपने सिर पे इस तरीके से प्लेस करेंगे, राइट हैंड को रखेंगे कमर पे इस तरीके से, अपने राइट साइड पे 45 डिग्री, वन टू, टू स्टेप्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम वन टू, हैंड्स चेंज लेफ्ट डायरेक्शन, थ्री फोर, अब पीछे जाएंगे राइट डायरेक्शन, हैंड चेंज, वन टू लेफ्ट, थ्री फोर, यानी फोर फोर आगे की स्टेप एंड फोर पीछे के स्टेप, ओवरऑल हमारे एट स्टेप रहेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लास्ट हमने यहाँ पे अपना स्टेप को एंड किया है। इसके बाद हमारे स्टेप रहेंगे राइट साइड पे, हल्का सा पैर 45 डिग्री पे रखेंगे अपना राइट लेफ्ट, अपने हैंड्स को अंदर की तरफ से लेते हुए एक छोटा राउंड, फिर अंदर की तरफ से लेते हुए एक बड़ा राउंड, इसके साथ हल्का सा राइट में शिफ्ट होंगे, एकदम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड चलेंगे, वन टू, एक छोटा राउंड देन एक बड़ा राउंड, सेम स्टेप हम अपने लेफ्ट में करेंगे, वन टू। यहाँ टू कंप्लीट होने के बाद अपने राइट लेग को आगे लेते हुए अपने हैंड्स को पूरा एक सर्कल बनाते हुए घूम जाएंगे, टर्न कर जाएंगे और सामने आ जाएंगे। वापस देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आगे आने के बाद एक सेकेंड का हमें पॉज मिलेगा म्यूजिक पे, तो हम अपने बॉडी को हल्का सा मूव कर लेंगे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यहाँ से हमारे सॉन्ग की मेन लाइन्स आएगी, चौगाड़ा तारा, तो चौगाड़ा तारा पे हमें क्लैप करनी है राइट पे, यानी लेफ्ट उसको क्लैप देगा राइट हैंड को, राइट जाएगा साइड पे। इसके साथ हमें जंप लेके राइट साइड पे आना है, चौगाड़ा तारा, दोनों हैंड्स इस तरीके से पीछे जाएंगे अपने बैक पे और अपने शोल्डर को ठक ठक, यहाँ दो बीट्स आने वाली है ठक ठक, उस पर हम अपने शोल्डर्स मूव करेंगे। ओवरऑल स्टेप रहेगा चौगाड़ा तारा ठक ठक, सेम रंगीला तारा लेफ्ट साइड पे ठक ठक। वापस देखते हैं, चौगाड़ा तारा ठक ठक, रंगीला तारा ठक ठक, छबीला छबीला पे हम सेम राउंड लेंगे जो अभी हमने स्टेप पे पहले लिया था, छबीला तारा, अब दोनों हैंड्स को खोलते हुए पीछे की तरफ हल्का सा रन करेंगे, पीछे रन किया, अब दोनों हैंड्स को नीचे से ऊपर लेते हुए आगे की तरफ रन करेंगे। ओवरऑल स्टेप हमारे रहेंगे जो हमारे सॉन्ग की मेन लाइन है, हम कर रहे जो गाड़ा तारा सॉन्ग गुजराती स्टेप्स, इस पे हम करने वाले हैं, तो इसकी मेन लाइन्स पे हमारे स्टेप रहेंगे, जो गाड़ा तारा ठक ठक, रंगीला तारा ठक ठक, छबीला तारा, नीचे उतारी बार। तो लास्ट हम अपने हैंड्स को मूव करते हुए आगे रन करके आए हैं, यहाँ तक हमारे हाथ है, अब हमें सॉन्ग की मेन लिरिक्स करने हैं जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, जो गाड़ा तारा रंगीला तारा रग बिन जो तरवात, यहाँ से हम हमारे लिरिक्स जो मेन लाइन के हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने स्टेप्स को करेंगे, क्लैप लेंगे, फर्स्ट राइट हैंड अप जाएगा, लेफ्ट हैंड डाउन जाएगा, इसके साथ अपने राइट लेग को साइड पे लेंगे, वन, मैं आपको आगे से स्टेप दिखा देती हूँ, वन, यानी आपको राइट पे आगे बढ़ना है, वन, अब हैंड को यहाँ सर पे रखना है, दूसरा हैंड यानी लेफ्ट हैंड आपका इस तरीके से ओपन होके पीछे दो स्टेप कवर करने, हमारा स्टेप रहेगा वन टू, जो हमने पहले फुटवर्क लिए थे राइट लेफ्ट वैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो हमने अभी एक स्टेप आगे लिया क्लैप, अब पीछे की तरफ दो स्टेप लेंगे लेफ्ट एंड राइट, वन टू, अब हमारा डायरेक्शन चेंज होगा अपने साइड पे, हम क्लॉक वाइज घूम रहे, तो पहले हमने सामने कर दिया, वन टू, अब हम इस डायरेक्शन में जहाँ हमारी बॉडी है सामने की तरफ, वन टू थ्री, अब हमारी बॉडी पीछे है यानी हमें फर्स्ट स्टेप हमारे बॉडी के सामने जस्ट राइट लेग को लेते हुए क्लैप करना है, वन टू थ्री, अब हमारी बॉडी का डायरेक्शन ये है तो हम यहाँ पे क्लैप करेंगे, वन टू थ्री, तो
करनी है वहां फर्स्ट पे हम क्लैप करेंगे एकदम सामने, वन, राइट हैंड हमेशा ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड हमेशा नीचे आएगा। अब जस्ट पीछे चलेंगे, टू, थ्री। अब हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में, सेम बॉडी के सामने क्लैप करेंगे, वन, टू, थ्री। हमारी बॉडी यहाँ है, वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री। इस तरीके से हमारे चारों डायरेक्शन के स्टेप फिनिश होंगे। इसके बाद हमें लास्ट स्टेप के लिए करना है, यहाँ पे हमने एंड किया क्लैप करके, यहाँ हमने एंड किया है। इसके बाद अपने दोनों हैंड्स को खोलेंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड डाउन, और यहाँ पे हमारा स्टेप एंड हो जाएगा। होप सो आप सभी ने कोरियोग्राफी को एंजॉय किया होगा, मस्ती से आप डांस करेंगे। तो आइए हम स्टेप्स को फर्स्ट टू लास्ट एक बार और रिवाइज कर लें।